वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे? देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए, वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। मेरे पीछे पड़े, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं कुछ और आंकड़े दिखा देता हूं, और वो आंकड़े मुफ्त की ये जो योजनाएं बांटी जाती हैं उससे जुड़े हुए हैं, और ये किसी एक पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। आप ये मत कहिएगा ये सिर्फ विपक्ष के ही है, इसमें सभी पार्टियां शामिल हैं। और मैं एक एक करके बता देता हूं कि ये जो मुफ्त की सब्सिडी में ये जो बिजली दी जाती है उसका नुकसान कितना होता है और राज्यों को कितना नुकसान उसके बाद में कर्ज के तौर पर उठाना पड़ता है। तो ये मेरे पास जो आंकड़े हैं वो एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तीनों राज्य हैं जो कि बिजली सब्सिडी में देते हैं लोगों को, दिल्ली है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और यहाँ आपकी सरकार है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, और यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, आपकी कहीं है नहीं। 39,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिल्ली के ऊपर है, हमारे लोगों की दिलों में है, मुफ्त की सारे सामान दे रहे हैं। राजस्थान पे 65,000 करोड़ का खर्च है, अशोक गहलोत रोज नई नई योजनाएं निकाल कर ला रहे हैं मुफ्त की। मध्य प्रदेश 3,03,000 करोड़ का है, शिवराज सिंह चौहान भी इस मामले में बिल्कुल पीछे नहीं है, वो भी इस कोशिश में लगे रहते हैं कि कहां से कोई ऐसी योजना निकालें जिससे लोगों को मुफ्त में कुछ मिल पाए। सुधांशु जी, ये जो मुफ्त की योजनाएं हैं इसका खामियाजा सबसे ज्यादा अभी बीजेपी को देखने को मिला, दो स्टेट्स में जहां कांग्रेस ने इसको अपनाया और फायदा उठाया, हिमाचल में और कर्नाटक में। ये आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त? देखिए, मेरा ये मानना है कि गरीब और वंचित वर्ग को निश्चित रूप से सब्सिडी या मुफ्त की चीज़ें मिलनी चाहिए, परंतु ये पहले आइडेंटिफाई होना चाहिए कि किसको ज़रूरत है। जैसे हमने कहा 50 करोड़ लोग ऐसे हैं देश में जिनको आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का बीमा मिलना चाहिए, 140 करोड़ को नहीं। इनका ये कहना है कोई रिसर्च मत करो, कोई डिटेल में मत जाओ, इन ब्लॉक कह दो जी सबकी 700 यूनिट माफ। अरे किसी को ज़रूरत है, किसी को नहीं है। दिल्ली और पंजाब दो जगह इनकी सरकार है, दिल्ली भी उत्तर भारत में और पंजाब दोनों समृद्ध राज्य माने जाते हैं। उत्तर भारत सारी महिलाओं को हम फ्री कर देंगे, सबको 700 रुपए फ्री कर देंगे, ये क्या होता है? आपसे पूछिए, इन्होंने गुजरात में जितना फ्री का दावा किया था जानते हैं? गुजरात के कुल बजट का 2.5 गुना था, कुल बजट का 2.5 गुना, क्योंकि इनको पता आना नहीं ये भी फ्री वो भी फ्री। इसलिए एक जिम्मेदार और संवेदनशील सरकार होना अलग बात है, और एक बात जिसमें आपको पता हो कि फ्यूचर में जाकर आप कितनी बड़ी समस्या में होंगे, क्योंकि अंतर क्या है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 के बारे में अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात किया, हम 25 साल आगे की भी सोचते हैं, अच्छा, और 2500 साल पीछे की भी सोचते हैं, 100 साल आगे की भी सोचते हैं, 250 साल, इन लोगों कोई मतलब नहीं है, 5-10 साल सत्ता में रहे उसके बाद देखा जाएगा कौन क्या करता है, इसलिए हमारी इनकी सोच में अंतर है। लेकिन लेकिन सुधांशु जी, जब हम इस आंकड़े को दिखा रहे थे तो मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसपे सबसे ज्यादा कर्ज है और वो सब्सिडी दे रहा है, तो फिर आपका जो फॉर्मूला है वो वहां जाके तो नहीं सफल हो पा रहा है, वहां तो आपकी राज्य की सरकार कर्ज में डूबती चली जा रही है। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बड़ा राज्य भी है, मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र भी है, पुराना भी था, इसलिए मैंने कहा ना सरकार को कष्ट सह के भी गरीब को देना होगा। हाँ। मगर सबको दे देंगे, अमीर गरीब सबको दे देंगे जस्ट खुश करने के लिए कि हाँ जी हमको सबको फ्री हो जाए, वह बात तर्कसंगत नहीं लगती, वो सरकार का खजाना लुटाने जैसी स्थिति होती है। गरीब को दीजिए तो सही है, मगर सबको देंगे ये राजनीति। सुरेन जी, आप 2 कदम आगे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी से, आपने 64,000 करोड़ का कर्जा है आपके ऊपर राजस्थान में, लेकिन रोज नहीं योजना। जैसे एक लाइन और बोल दूं, मध्य प्रदेश एक लाइन ऐड कर दूं, अब दे दीजिए एक लाइन ऐड कर दूं, मध्य प्रदेश जैसे मैं बताऊं, इन्होंने अभी बात कही थी ये सबको गैस सब्सिडी देते थे, सक्षम लोग हैं क्यों भाई, जो लखपति करोड़पति हैं उनको गैस सब्सिडी की क्या जरूरत थी? इसलिए प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा, उन्होंने कोई नियम नहीं बनाया, कहा जो सक्षम है वो छोड़ दें, 1 करोड़ से अधिक लोगों ने छोड़ दिया। ये होती है नेता के प्रति भी विश्वास और ईमानदारी, ये अंतर होता है शासन चलाने की दृष्टि जो हमारी और इनके में अंतर। अब मध्य प्रदेश में आपकी सरकार नहीं है लेकिन आपके नेता जगह जगह घूम रहे हैं और मुफ्त की जो भी योजनाएं हैं उसका ऐलान अभी से शुरू कर दिया गया, लेकिन कर्नाटक में आपने जो भरोसा दिला करके सरकार ली बिजली के मामले में, आप अभी तक वो दावा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लोग परेशान होकर के सामने आ रहे हैं। भाई कर्नाटक में जितनी योजनाएं हमने 5 गारंटी दी थी, 5 गारंटी हमने लागू कर दी वहाँ। अब आपको 1 महीने बाद जब बिजली का बिल तो 1 महीने बाद ही आएगा ना,
पहले दिन तो आने वस्त्र रहा, जिस दिन सरकार बनी उस दिन तो बिजली का बिल आएगा नहीं, उसके एक महीने या दो महीने बाद आएगा बिजली का बिल, वहां पर मिलेगा। हम अपनी योजनाओं को पूरा करने में सक्षम हैं। ये लोग 5 लाख को आयुष्मान भारत चिल्ला रहे हैं, राजस्थान ने 25 लाख रुपए की क्या नाम आयुष्मान भारत दिया हुआ है। राजस्थान की जो सरकार गारंटी है कि 25 लाख रुपए तक अगर कोई आदमी अपना 25 लाख रुपए तक का इलाज। एक मिनट, अब सुधांशु भाई बीच में, अब आप दूसरे मैंने जस्ट कंफर्म कर, बिल्कुल 100% दोबारा से कह रहा हूं 25 लाख रुपए तक का। मैं इतना बता दूं कि अभी स्क्रीन पे जो ग्राफिक्स चल रहे हैं उसके जरिए दर्शक इस चीज को समझ सकते हैं कि जो सब्सिडी दी जाती है उससे कितना खर्चा पड़ता है, कितना कर्ज बढ़ता है। ये स्क्रीन पर आ भी रहा है अभी, उसके बाद आप आ जाइए कि जो हम क्या नाम गारंटी की बात कर्नाटक में किए, वही हम गारंटी की बात मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं। करेंगे कैसे पूरा? सच बात है कि 40% की सरकार थी, 10 लाख करोड़ का अगर बजट होता था तो 4 लाख करोड़ खा जाते थे। हम वो 4 लाख करोड़ नहीं खाने देंगे। 40 मध्य प्रदेश की सरकार 50% कमीशन की है, अगर वहां 10 लाख करोड़ का बजट है तो 5 लाख करोड़ ये खाते हैं अभी तक। हम वो 5 लाख नहीं खाने देंगे, जनता में बांटेंगे। कौन सी दिक्कत है? सवाल पूछूंगा। हाँ बताइए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी एक वादे के साथ आए थे कि किसानों के कर्ज की माफी हो जाएगी, 1.5 साल तक वो कर्ज की माफी नहीं हो पाई। राहुल गांधी जाते रहे और इसका विरोध झेलते रहे। अब आपको इसकी अगर असलियत की जानकारी, जाइए 2,32,000 लोगों के कर्ज की माफी हुई, और उसका रिकॉर्ड ये भी है कि कमल पटेल जो इनका कृषि मंत्री है उसका अपना कर्ज भी माफ हुआ है। झूठे लोगों की बात पे आपका ग्राउंड में खुद जाया कीजिए ना। मैं ग्राउंड का ही आदमी। अरे जाइए ग्राउंड में, अगर ना कर्ज माफ हुआ हो तो बताइएगा। जी आपको पता है, बताइए ना। मैंने कहा कि कमल पटेल के खुद का कर्ज माफ हुआ। रेवड़ी फ्री के जो सामान लोगों को देने की परंपरा है उसमें आपकी पार्टी भी आगे रही है, चाहे वो लैपटॉप हो या बाकी चीजें हो। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर या उस राज्य की अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ता है, विपक्ष की एकजुटता में ये जो फैक्टर है ये काम करेगा, और कितना इस मुद्दे को आप लोग एक साथ मिलकर के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल करेंगे? देखिए मुझे लगता है कि अरे भाई एक बात समझिए, 25 लाख बोल गए थे, यहाँ तो 5 ही लाख दिखा रहा है। 25 लाख की स्कीम दिखाइए। छोड़ो हमें बोलने दो भाई, बोल ले। झूठ झूठ बहुत बोलते हैं और झूठ बोल के सुनिए, दिखाइए 25 लाख। सुनिए रेवड़ी बोल के आप उन गरीब जो हमारे कमजोर लोग हैं उनका मजाक मत उड़ाइए। ये रेवड़ी नहीं है, आप गांव में दूर में चले जाइए, गरीब लोग हैं, उनको अपने बच्चों को पढ़ाना होता है, उनके पास पैसा नहीं है, ताकत नहीं है। अगर उनको बिजली फ्री में मिल जाएगी तो उनके बच्चे पढ़ के IAS PCS IPS बन जाएंगे, तो इसमें दिक्कत क्या भारतीय जनता पार्टी को? अगर हमने लैपटॉप दिया गांव की बच्ची को जिन्होंने 12वीं पास की कि वो पूरे दुनिया से जुड़ जाएं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या होती? मुझे ये नहीं समझ में आया। फिर हमने अगर गरीब किसान को बोला कि आपको सिंचाई मुफ्त दे देंगे तो उसमें दिक्कत क्या है? आप हजारों हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार में खर्च कर दो। अगर हम गरीब को मुफ्त में दे देंगे, उसके बच्चे पढ़ जाएंगे, उसके बच्चे पैरों पर खड़े हो जाएंगे, किसान अपनी सिंचाई कर लेगा, तो उसमें दिक्कत क्या है? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। उसका रेवड़ी शब्द बोलना उनका अपमान करना होता है, उन गरीबों को तो अपमान नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, अभी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कांग्रेस के जमाने में 1,250 रुपए का सिलेंडर था, तो आपके जमाने में भी 1,250 का है, तो इसके मतलब आप खुद ही मान रहे हो कि हम तो कांग्रेस की राह पे चल रहे हैं, जो उन्होंने किया था वही हम कर रहे हैं। तो फिर आप इतनी दूर से दोनों चिल्ला क्यों रहे थे ये करके, जब दोनों एक ही रास्ते पे चल रहे हो। 2014 में भी 1,250 का था, आज भी 1,250 है, तो आपने सच क्या दिया जनता को? क्या दिया? 500 रुपए में तो दिया नहीं, 900 रुपए में तो दिया नहीं, 800 रुपए में तो दिया नहीं, 1,200 पार आज भी है। तो फिर आप किस बात का डंका पीट रहे हो कि हमने बहुत अच्छा काम किया? भाई जनता ने इसलिए थोड़ी चुना था आपको। ये दूसरी बात। तीसरी बात आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ी समस्या है। अब उनके पास एक सिस्टम है, वो अपने झूठ को, जुमलों को सच करने के लिए चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। आपने देखा ना, जिसको झूठ बोलना होता है चिल्ला चिल्ला के बोलता आपकी है। आवाज भी बहुत तेज है। सबसे ज्यादा तो आपकी आवाज कौन सी कमजोर है? आया ही नहीं मैं भी यहां। नहीं, आप रास्ते में चले जाओ, प्रचार देख लो, चारों तरफ देख लो, हर तरह की होर्डिंग बोर्डिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके मतलब आपके मन में चोर है। आपने जनता के लिए कुछ किया होता तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये जनता है, सब जानती है। अगर आपने उनके लिए भले का काम किया होगा आपको वोट देगी, अगर आपने भले का काम नहीं किया तो चिल्लाने से, प्रचार से, एड से, इससे उससे कोई काम नहीं होगा। 2024 में तय मानिए आपका जाना है, आप इसको मान लीजिए, परेशान मत होइए। देखो हार जीत लगी रहती है, कोई बात नहीं, अब हारने में इतने बौखलाने की जरूरत तो है नहीं, सत्ता तो आती जाती है, किसी की भी नहीं रही। आप तो ऐसा लग रहा है जीत ही गए, अभी जीत गए, बिल्कुल। ये बताइए मुझे कि फ्री बीज ये एक बड़ी चुनौती तो है, खासतौर से जो आम आदमी पार्टी जिस
ये देख लीजिए, अब हमारे पास भी आ जाइए सिन्हा जी। चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए तक का इलाज पत्रिका में है, आप चाहें तो इसको देख लीजिए। और ये कैमरामैन भी जरा इसको दिखा दे भाई, पत्रिका नहीं वो दिखाइए, राजस्थान सरकार की। अरे राजस्थान सरकार की भी देख लीजिएगा, वो भी देख लीजिएगा, वेबसाइट पे आइएगा। 25 लाख ये लीजिए भाई, आप ये देखिए सब लोग, आप ऑफिशियली देखिए ये क्या है, ऑफिशियली दिखा रहा हूँ, ये देख लिया आप, राजस्थान गवर्नमेंट का वेबसाइट और पत्रिका, 25 लाख रुपए। ये रहा, ये है सुधांशु मिश्रा का झूठ, मेरा झूठ सबसे मजबूत, ये सुधांशु मिश्रा कहते हैं। ये लीजिए वेबसाइट में दिखाइए, ये लीजिए अभी राजस्थान की वेबसाइट पे भी दिखा दूंगा, पहले यहाँ पे देख लीजिए, दिखाइए राजस्थान की वेबसाइट पे। एक सबसे सम्मानित अखबार को, पत्रिका को ये लोग अब झूठा कहने लगे, ऐसा है। ये लीजिए राजस्थान सरकार की वेबसाइट पे क्या दिखा रहा है, इंश्योरेंस इंडिया की वेबसाइट पे, उस पर भी आ जाओ, आप नहीं आप दिखाइए उस पर भी, दिखा पढ़ के आ गए, एक नहीं सुधांशु जी मेरा जवाब ये लीजिए आपसे, अभी एक नहीं आपको 10 दिखाए, चिंता मत, वो आपके लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी बार बार कह रही है कि जिस पॉलिटिक्स को आम आदमी पार्टी कर रही है और जिसको अब कांग्रेस फॉलो कर रही है, 24 में वो बड़ी मुश्किल खड़ी करेगा। लेकिन आप कहते तो ये हैं, करते पीछे से आप भी वही काम। देखिए हमारे इनके काम में बहुत अंतर है, अभी बहुत भाव के साथ बोल रहे थे गरीब को ये मिल जाता है, गरीब को तो इसमें क्या, गरीब को तो हम भी देने के पक्ष में, पर इनके गरीब और हमारे गरीब में अंतर है। कैसे? इनके यहाँ ऐसे गरीब होते हैं, इनके यहाँ एक ऐसे नेता थे, गरीब थे गायत्री प्रजापति, जिन्होंने अपने को बिलो पावर्टी लाइन शो किया, हाँ। और 10 साल के अंदर ऑफिशियली 150 करोड़ की संपत्ति का हलफनामा दिया, ऐसा शानदार गरीब उत्थान जो आप लोग करते हैं, इसीलिए मैं एक मिनट आप देखिए, फिर बीच में डिस्टर्ब करने लगे, बीच में डिस्टर्ब करने लगते हैं, किसी के बीच में नहीं बोलता, आप बिल्कुल सच सच बोल रहे हैं भाई, जितने लोग गरीब और वंचित, फिर देखिए बीच में बोलने लगे, टोका था उतना ही टोका है, कितना टोका भाई, गरीब और वंचित देख लीजिए, राजस्थान सरकार का देख लीजिए साहब, राजस्थान सरकार का देख लीजिए, चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए तक, सुधांशु जी आराम से देखिए, पूरा सरकार का है, और कहिए आप झूठे हैं, ये लीजिए भाई आप देखिए सब लोग, अब उस मुद्दे पे अब तो कम से कम ताली बजा दो सुधांशु जी के लिए। अच्छा आप सुनिए, ये देखिए भाई, देखिए अगर इनकी बात तो बता दें, अगर 25 लाख मान ली जाए तो आप 25 लाख के इलाज का मतलब समझते हैं सरकार कहां से देगी, ये देखिए 25 लाख का इलाज अभी, ये देखिए अगर इन्होंने बात कही है, उस मुद्दे पे आ जाते हैं, जो मैंने आपसे सवाल पूछा फ्रीबीज को लेकर के, नहीं अच्छा एक मिनट जरा दिखाइए कब का है, ये अभी का है, 25 लाख कब से, चुनाव के समय का है ना, दिखाइए दिखाइए दिखाइए, चिरंजीव योजना की शुरुआत के समय के दिखाइए, मुझे फिर जाना पड़ेगा, कब है कब, सुनिए आप भी रजिस्ट्रेशन कराइए, एक गुगली फेंक दो, ये देखिए मेरा ये है इनका मतलब, नहीं आपका हमेशा तो 25 लाख ही था, अगर आप लोग उस मुद्दे पे नहीं आएंगे, हमेशा तो 25 लाख का इतना ही मत बताइए, तो मुझे जाना पड़ेगा, लोगों से जुड़े मुद्दे हैं ये, अगर फ्रीबीज को लेकर के हम बात कर रहे हैं, आप बार बार ये आरोप लगाते हैं कि दूसरी पार्टियां इसके बहाने वोटों को ले आती हैं, लेकिन आप भी वही, नहीं 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 सुनिए, हमारे उसमें अंतर है, ये सब लोग कहते हैं हम गरीबों वंचितों के लिए बात कर रहे हैं, और गरीब वंचितों के नाम पे काम करने वाली पार्टियों के नेता सबसे अमीर है, सबकी 150 करोड़ की संपत्तियां हैं, कहां है पूछिए, इनके नेता डीके सुकुमार 1400 करोड़ की संपत्ति है, और कह रहे हम गरीब के लिए काम कर रहे हैं, गरीब के लिए काम कर रहा है, मैं चुनौती से पूछता हूं इनके नेताओं से पूछिए, डीके सुनिए आपके पेट में काय दर्द है, उनके कर रहे हो यार, अपने भी आपके पेट में काय दर्द है, फिर डिस्टर्ब करने लगे, मायावती जी देखते देखते गरीब वंचित में 150 करोड़ की संपत्ति, सुनिए गरीब गुरबा का परिवार, लालू प्रसाद यादव जी आज सबसे अमीर परिवार, शॉपिंग मॉल हो गया, बड़े बड़े वो हो गए, फार्म हाउस हो गए दिल्ली में, देखिए होता क्या है, गरीब को कुछ 100 रुपए का वो दिखाना है कि सब्सिडी दी, उसके बाद सत्ता आने के बाद 1000 करोड़ अपने परिवार के लिए अंतर करना है, ये फंडामेंटल अंतर है, इसीलिए मायावती का जिक्र आ गया, अब मैं आपसे आप कहते हैं सवाल नहीं पूछता मैं, अरे सवाल तो आप पूछते हो, लेकिन उनका सवाल हमसे कहां पूछता हूं, हमारा सवाल उनसे नहीं पूछते, वो विपक्ष में है क्या, नहीं नहीं वो विपक्ष की एकजुटता में शामिल हो रहे हैं क्या, मैं आप ही से वो पूछ रहा हूं, मायावती साथ होंगी आपके, अभी तो तय होगा, अब उसमें राजनीति ने तो तय करेगा भाई, वो हमारे विपक्ष में बहुत लोग हैं, जिसको आना होगा वो आएगा, जिसको जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा, तो विपक्ष एक साथ जब मिलके बैठा है तो जिसको आना होगा तो उसमें स्वागत होगा ना, वो तो पार्टी तय करेगी, उसमें हमारे कहने से ना वो आना है ना उनको जाना है, पर आप मानते हैं कि उनको आना चाहिए आपके साथ, नहीं हमारे माने से नहीं, ये पार्टी बड़े बड़े हम लोग तो प्रवक्ता हैं, आप कौन से छोटे नेता हैं, अरे आप इतने बड़े नेता हैं, फिर वही इतने बड़े नेता, इतने बड़े नेता बोल के आप हमको क्या करना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं कि ये जो डिसीजन होते हैं ये बहुत ही राष्ट्रीय नेतृत्व पे डिसीजन होते हैं कि कौन उसमें एक विपक्षी दल में रहेगा कौन नहीं रहेगा, लेकिन ये तय है एक चार के जो महंगाई बेरोजगारी महिला अत्याचार किसान लोकतंत्र और संविधान के लिए लड़ना चाहता है उसके लिए वो आइए साथ मिलके लड़िए। भदौरिया जी सवाल ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि 2019 में अगर आप
कांग्रेस बीएसपी आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ते तो 17 सीटें और जीत सकते थे यूपी चुनाव। 17 चिंता मत कीजिए, 2024 में समाजवादी मिलके सब लोग मायावती के साथ मिलकर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का सफाया मायावती के साथ मिलकर, मैं कह रहा हूं पूरा विपक्ष जो मिलकर लड़ेगा उसमें भारतीय जनता पार्टी का सफाया है। माने बीजेपी की सीट नहीं आ रही, बस आप उसमें फोकस करो, पता नहीं हम कैसे लड़ेंगे उसमें छोड़ दो, बीजेपी की सीट नहीं आने वाली एक भी। अब वो अपना चिंता में कि कौन सी सीट जीते, इसमें मंथन चल रहा है उनके कि कौन सी सीट हम जीत सकते हैं। अब मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, उन्होंने मंथन शुरू कर दिया, उनके यहाँ तो लगातार मीटिंग्स भी चल रही हैं, तीन जोन में बैठ के आज भी मीटिंग चल रही है, आपके यहाँ भी यही तय नहीं हो पा रहा है कि कौन साथ आएगा और कौन साथ नहीं आएगा? अब वो तय, आप चिंता ना करो, हम लोग के यहाँ गाँव में मीटिंगें होती हैं, घर घर गाँव में लोगों से मिलते हैं, उनकी परेशानियों को जानते हैं, यहाँ 5-स्टार होटल में हम लोग की मीटिंगें नहीं होती है। दिल्ली में हम लोग वो हैं जो किसान के साथ रह के कैसे वो जी रहे हैं, क्या उनको जरूरत है, इसलिए हमें किसान की चीज पता होती है कि किसान कितनी मुसीबत में जी रहा है, ये डाटा लेके घूम रहे हैं, दिक्कत ही है। और हम समझ रहे हैं कि किसान परेशान है, वो अपनी फीस जमा नहीं कर पा रहा है, आप चले जाओ गाँव में, वो अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे, उनके पास व्यवस्था नहीं है, बट उसके बारे में कोई बात नहीं। भदौरिया जी के हिसाब से जो बड़े मुद्दे हैं वो वाकई बड़े जनता से जुड़े मुद्दे हैं, महंगाई बता रहे हैं, किसान बता रहे हैं, लेकिन आपके लिए तो सबसे बड़े मुद्दे अध्यादेश है, और उस अध्यादेश के अलावा आप किसी और बात पे बात ही नहीं करना चाहते हैं, उसी पर आपके नेता वहां जहां पटना में मीटिंग होती है छोड़ करके वापस चले जाते हैं, पूरी करके रुकते नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुद्दे क्या अलग अलग हैं, और क्या इन कॉमन मुद्दों पर, जिसे हमेशा राजनीतिक पार्टी कहती है कि सबसे मजबूत मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, इस पर विपक्ष एक साथ आ पाएगा? और देखिए, आपने कहा कि अलग अलग पार्टी जब बैठ रही है, सबके अपने मुद्दे भी हैं और देश के मुद्दे भी हैं। हमारे लिए ऑर्डिनेंस बड़ा मुद्दा क्यों है, क्योंकि इस ऑर्डिनेंस के जरिए संवैधानिक पीठ के फैसले का अपमान किया गया, दिल्ली के जनमत का अपमान किया गया, और साथ में फेडरल स्ट्रक्चर का भी अपमान किया, तो ये बड़ा मुद्दा है। लेकिन दूसरा जो मुद्दा है वो महंगाई है, बेरोजगारी है, जिस तरह से ये विपक्ष को खत्म करना चाह रहे हैं, उसकी साजिशों की पर्दाफाश कर रहे हैं, और साथ में आज जितने भी देश में जितने भी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों चर्चा करना, अभी कह रहे थे बड़े बड़े नेता, इनके प्रधानमंत्री कहते थे फकीर हैं, 8,500 करोड़ के फ्लाइट पर चढ़ते हैं, लाखों का सूट पहनते हैं, तो मुझे ये लगता है कि आज जब ये विपक्ष बैठेगा उन सभी मुद्दों में चर्चा होगी, एक सीएमपी बनेगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, फिर लड़ा जाएगा, चूंकि ये बार बार कह रहा हूँ, आप आंदोलन से उठी हुई पार्टी हैं, और ऐसे में आपसे तो ज्यादा अपेक्षा की जाती है कि महंगाई का मुद्दा हो तो आप सबसे पहले सड़क पर आ जाएं, लेकिन अध्यादेश पर आप हैं लेकिन महंगाई पर नहीं, क्योंकि वो बड़ा मुद्दा है अध्यादेश, महंगाई छोटा मुद्दा। पहले ही कहा कि इस देश का फेडरल स्ट्रक्चर बचे, संविधान बचे, मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। मतलब आपका मतलब सिर्फ दिल्ली से? लेकिन आपका मतलब सिर्फ दिल्ली से, दिल्ली के अलावा आप और कुछ नहीं सोच रहे? ऑर्डिनेंस कोई दिल्ली का मसला नहीं है, जो ऑर्डिनेंस दिल्ली में आया ये देश में किसी भी स्टेट में आ सकता है। बड़ा मुद्दा इसलिए बचाने की लड़ाई है, बड़ा मुद्दा लोकतंत्र को बचाना है। फिर आप दूसरी तरफ चले गए, फिर चले गए, हमने कहा बड़ा मुद्दा लोगों से जुड़ी हुई महंगाई है या फिर अध्यादेश है। मैंने कहा ना, सारे मुद्दे बड़े हैं, अगर आप संविधान विरोधी काम करेंगे वो भी नहीं करने देंगे। नेता ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक यात्रा की महंगाई को लेकर, आपके लिए मुद्दा अध्यादेश बड़ा है या महंगाई बड़ा है? आपने उस यात्रा को पढ़ा? खाली महंगाई के लिए करी? उन्होंने तो लोकतंत्र को बचाने के लिए करी, क्या नाम, बेरोजगारी को हटाने के लिए करी, महंगाई को हटाने के लिए करी, संविधान को बचाने के लिए करी। एक सहयोगी, उनके लिए बड़ा मुद्दा अध्यादेश है, आपके लिए मुद्दा बड़ा किसी के है या महंगाई? किसी के लिए कोई मुद्दा बड़ा हो, सब लोग अपने अपने मतभेद रख करके एकजुट होंगे, मतभेदों को खत्म करेंगे, और सारे मुद्दों के लिए हम भारतीय जनता पार्टी को, इस लोकतंत्र विरोधी सरकार को नहीं रहने देंगे। लोकतंत्र में लोकशाही की चलनी चाहिए, लोकतंत्र की आत्मा के लोग मारने की बात कर रहे हैं, और इसके खिलाफ सब लोग लड़ेंगे। मुद्दा वो भी है, मुद्दा महंगाई भी है, मुद्दा बेरोजगारी भी है, और मुद्दा चीन के राष्ट्रपति, जो हत्यारा राष्ट्रपति है 20,000 जवानों का हमारे, उसको ये जो चाय पिलाते हैं ना झूल झूल करके, मुद्दा वो भी है। सुधांशु जी, इसी का फायदा क्या लग रहा है आपको, यही स्कोप आपको नजर आ रहा है बीजेपी को कि ये लोग किसी एक मुद्दे पे साथ नहीं आ पाएंगे और कुछ मुद्दों पे अलग अलग जाएंगे? ये मुद्दों पे साथ है। वैसे एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैंने भी देख लिया, इन्होंने सही बात है, राजस्थान सरकार ने अप्रैल के महीने में, यानी जब चुनाव से 6 महीना पहले रह गया, इस बजट में 25 लाख कर दिया है बढ़ा के। वही मैंने कहा, पूर्व में तो मुझे ध्यान था कि ऐसा नहीं था। अशोक गहलोत जिंदाबाद। अरे भाई, 6 महीना पहले, अशोक गहलोत जिंदाबाद, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री, अशोक गहलोत जिंदाबाद, आपके बोलने मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय नहीं लाए, आप चुनाव के समय कर दिए, क्या अगली सरकार आगे देखेगी कि क्या होना है 25 लाख का? अब मैं इसका जवाब देता हूं।
जो आपने बात कही, ये लोग एक हैं, ऐसी बात नहीं है, इनके मुद्दे भी बड़े कॉमन हैं। देखिए 23 जून को पटना में बैठक हुई जिसमें सब लोग कॉमन एजेंडा पे आके बात करने लगे, मगर 23 जून को प्रधानमंत्री जी अमेरिका में थे, वहां पे अगर आप देखें तो उस समय भारत की डिफेंस को मजबूत करने के लिए क्या क्या होना था, चाहे जी कंपनी के द्वारा उस जहाज का इंजन भारत में बनना हो, चाहे सेमीकंडक्टर्स आने हो, प्रीडेटर ड्रोन, यानी डिफेंस डील हो रही थी भारत की डिफेंस को मजबूत करने के लिए। 23 जून को इन सारे लोगों का भी एक मीटिंग हो रही थी पटना में, उसमें भी एक डिफेंस डील थी। क्या डिफेंस डील थी? एक आए कोयला और 2G घोटाले वाले, एक आए शराब घोटाले वाले, एक आई भर्ती घोटाले वाली बुआ जी, और बैठ गए अध्यक्षता में चारा घोटाले वाले में। तो अपने अपने घोटालों की डिफेंस की कमी है, उन्होंने वहां बैठ के कमी है। अनुराग भदौरिया, लास्ट कमेंट आपका, चलते चलते। देखिए देखिए देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है सुधांशु जी, हर मुद्दे को ले जाके 1970 में 1950 में जाके, अरे भैया 2023 जून की बात कही और आप भी पीछे रिकॉर्डेड प्रोग्रामिंग में बोलते हैं क्या आप? मैंने 23 जून, भदौरिया जी रहने दीजिए, आपसे पूरब का सवाल पूछता हूं, आप पश्चिम चले जाते हैं। वक्त की बहुत बहुत कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के इस हाईटेक स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल जारी है, अदालत के फैसले से लगता है कि राहुल गांधी 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बिहार में तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है, नीतीश कुमार के खेमे में खलबली मची हुई है, बीजेपी पुराने दोस्तों की तलाश में जुटी हुई है, JDS TDP अकाली दल जैसी पार्टियों से याराना बढ़ने लगा है। इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है देश की राजनीति में, और जो भी हो रहा है वो लगता है कि 2024 के बिसात बिछाने के लिए किया जा रहा है, और राजनीति को डिकोड करने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष एक नया मंच, एक नया शो लेकर आया है, सवाल सत्ता का। टीवी पर राजनीतिक बहस के दौर में हम सनसनीखेज नहीं, सिर्फ सार्थक बहस करना चाहते हैं, धर्म संप्रदाय पर नहीं, आपके सरोकार पर बात करना चाहते हैं, हम शोर शराबा नहीं, तर्कों और तथ्यों की बात करना चाहते हैं। तो इस वक्त की राजनीति में सबसे बड़ी चर्चा है कि क्या विपक्ष की महाजुटान सिर्फ हवा हवाई है, या विरोधी एकता से घबराकर बीजेपी ने विपक्ष में कोई बड़ी सेंध लगाई है, क्योंकि इस वक्त यही है सवाल सत्ता का। तो सुधांशु जी, सबसे पहला सवाल तो आप ही से है, एक वक्त था आप कहते थे कि एक अकेला ही काफी है, और आजकल सुनाई दे रहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज तो स्थिति है ना, मंजिलों की जुस्जू में मैं अकेला ही चला था, लोग यूं मिलते गए और काफिला बनता गया, वो अकेला ही था। और इतना ही नहीं, अकेला तो कहां कहां तक, मोदी जी को 22 साल पहले जब राजनीति शुरू की थी तो कितना अकेला किया गया था, अलग थलग किया गया था देश से लेकर विदेश तक, और आज देश में नहीं, देश की जनता ही नहीं, विदेश में भी सब साथ हो गए, पांच पांच छह छह देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल गया। इसलिए मैं कह रहा हूं हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहावत कहते हैं उद्धव कर्मन की गति न्यारी, ये सारी पार्टियों के साथ समस्या ये है कि इनके पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है। फंडामेंटल प्रॉब्लम इनकी पार्टियों में इसलिए आ रही है कि हमारे यहां पार्टी को परिवार समझा जाता है, इनके यहां परिवार को पार्टी समझ लिया जाता है, इसलिए ये अपने नेता से भी कट जाते हैं, विधायक सांसद से भी कट जाते हैं, अपने कार्यकर्ता से भी कट जाते हैं, अपने कैडर से भी कट जाते हैं, और जब टूटने फूटने लगते हैं तो आरोप भाजपा पे लगाते हैं। और हकीकत में आपको बात बताऊं, इन लोगों ने कितने भी प्रकार के रंग रूप बदलने का प्रयास किया कि किसी प्रकार खड़े होकर मोदी जी के विरुद्ध एक बनाने का प्रयास करें, पर उस खड़े होने में विपक्ष का गठबंधन तो छोड़िए, अपनी पार्टी संभालना मुश्किल हो गया। वो पुराना गीत था ना, बहुत पुराना, शायद 60 और 70 की फिल्म की दशक की फिल्म का है, वो इनके ऊपर बहुत सही लागू होता है विपक्ष के ऊपर, कि स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। और ये अपने कैडर की नजर में क्या हो गए, अपने नेताओं की नजर में क्या हो गए, अपने प्रदेश की जनता की नजर में हो गए कि रहते थे कभी जिनके दिल में, हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की। चलिए, आपने फिल्मों की बात शुरू कर दी, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी ये सामने आपके संजीव झा जी हैं, इन्हें देखकर आपको वो फिल्म याद आ रही है हम साथ साथ हैं? वो साथ साथ है ही, अभी तो सुधांशु जी पर ही रह लेना थोड़ी देर, उनके ऊपर बाद में आ जाएंगे, तो कहीं रहे कि रह